बता रहा हूँ अभी। सर लास्ट वाले पार्ट में सर आपने ए की वैल्यू 1.2 लिखी थी सर, वो 2.4 आएगी अच्छा मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत लिख दिया जाए। सर। आपने ए बाय टू इज इक्वल टू 1.2 था, तो फिर आपने ए 1.2 लिख दिया। अच्छा, 2.4 आएगा वो, सही है। हाँ, सर टू ये पॉइंट फोर असल में आएगा समझ पूरा। नहीं आया कि आपने ऊपर ही ओम इक्विवेलेंट ऑफ वो पुट क्यों नहीं किया और ए और बी क्यों ले लिया। एक मिनट गया, देख ये देख, उसका सॉल्यूशन अब देख लो दोबारा। देखो, हाफ इंटू मिलीक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू पहली लाइन 1.2। ये क्लियर हो गया कि नहीं शरद, बताइए क्लियर यस हुआ कि सर, नहीं? क्लियर है सर। तो यहाँ ये मिलीक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 आ गया यहाँ से 2.4। सर ये 2.4 आ गए। यस सर। अब दूसरी क्वेश्चन, जब हमने लिया मिथाइल ऑरेंज, तो उससे आया मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिलिक्विलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 4। 4 है ना वो, 40 × 0.1। यस सर। तो अब यहां से मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 आ गए 2.4, तो मिलिक्विलेंट ऑफ NaHCO3 कितने आ जाएंगे? तो माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे, मिलिक्विलेंट ऑफ NaHCO3 कितने आ गया यहां से, 1.6। सर। दोनों की वैल्यू आ गई कि नहीं? यस सर। बस दोनों की वैल्यू आ गई ना। अब इसमें यहां पुट कर दो, मास अपॉन में 106/2 × 10³ इज इक्वल टू 2.4, ये आएगा। तो मास यहां से सॉल्व करेंगे, जो मास आएगा वो 30 ml में आएगा। यहां से कितना आ रहा है गर्म, देखा तूने? सर Na2CO3 का, हाँ सर Na2CO3 का सर आ रहा है 0.13 ग्राम। पर 30 ml ना सर, जीरो यस पॉइंट सर। 127 आ रहा है, तो 0.127। 0.127, चलो 0.127 ले लो। मास आ गया से 0.127 ग्राम, ये आएगा कितने में, 30 ml। 30 ml में 0.127 ग्राम है, तो 1000 ml में कितना होगा? अभी क्लियर हुआ कि नहीं शरद? क्लियर ऐसी दूसरा निकाल लेगा कि नहीं? ये मास अपॉन में 84/1 × 10³ इज इक्वल टू 1.6, मास आ जाएगा यहां से, जो मास आएगा वो 30 ml में आएगा, तो 1000 ml में कितना होगा पर लीटर? देखो स्ट्रेंथ पूछे या पर लीटर पूछे एक ही बात होती है, स्ट्रेंथ पूछे या पर लीटर पूछे एक ही बात होती है। अभी एक बार हैंड से करेंगे, दूसरा क्वेश्चन जिसको समझ आ गया, दूसरा क्वेश्चन जिसको समझ आ गया हैंड से करेंगे एक बार। ध्रुव तेरे को कुछ पूछना तो नहीं है नो नो सर, क्लियर है मेरा। यस अभी? अब जिसको समझ आ सर, गया, आप रिकॉर्डिंग डाल दोगे वाली? वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बोलो। सर आप रिकॉर्डिंग डाल दो वाली अभी, हाँ मतलब क्लास के थोड़ी हाँ देर डाल बाद दो, में, क्योंकि हाँ डाल दो। मैं मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा अभी, मैं लीव कर दूं सर? कौन बोल रहा है? सर ध्रुव सर, पता नहीं मैं 3-4 बार लीव हो गया क्लास से, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा चल मैं डाल दूंगा। गर्व, हिमांग, ध्रुव, लिपिका, संयम, आरुषि, माधव, नयन, शरद, दृष्टि, पूर्वांश, रिदम, सौम्या, हर्षित, तान्या, नवीन, भव्या, हरिंदर, डिंपल, नीलांश, ध्वनि, दिव्यांश। अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकते तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं एक और सेम टाइप दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए इसके अंदर, क्योंकि सर अभी बच्चे आंसर नहीं निकाल पा रहे। हाँ बोलो। सर NaCO3 का 4.5 ग्राम आ रहा है पर 1000 ml। 4.48, हाँ सही। ओके सर। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ये निकालना चाहिए सबसे। अब 10 ml कौन सा मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन नंबर बता दो। इसमें शायद होगा नहीं, उसमें 10 ml मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 Na2CO3 एंड NaHCO3 रिक्वायर रिक्वायर 2 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, 2 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 फॉर न्यूट्रलाइजेशन
यूजिंग फिनोप्थिलीन एज इंडिकेटर, यूजिंग फिनोप्थिलीन एज इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड. मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड व्हेन ए फर्दर 2.5 ml ऑफ, व्हेन ए फर्दर 2.5 ml ऑफ 0.2 molar HCFOR was needed. Calculate strength of both. Calculate strength of both. यानी क्या निकालना है, शर्त बता. सर पर 1000 ml. हाँ. अब जिससे ये निकल गया ना, देखो दो क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, एक ही टाइप का, तीसरा भी सेम टाइप है, जिससे ये निकल गया उसको समझ आ गया. और एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं Na मिक्सचर ऑफ बोलूँ ना, Na2CO3.NHCO3, तो इसका मतलब भी यही होता है, Na2CO3 प्लस NHCO3, Na2CO3 प्लस NHCO3, यही मतलब होता है इसका भी. करेंगे ट्राई, डॉट लिखा है उसका मतलब भी यही होता है. सर बोलो. सर Na2CO3 4.2 ग्राम है. कितना है Na2CO3?
4.2 अक्षय गला है सर लिपिका बहुत अच्छे लिपिका और सर NaHCO3 1.6 ग्राम्स सर Na2CO3 5.3 ग्राम 5.04 आएगा 5.05 सर मेरा सर मेरा आ रहा है 4.2 ग्राम Na2CO3 और 5.1 ग्राम NaHCO3 सर मेरा भी यही आ रहा है हां सही 4.2 ग्राम एक बार 9 हां एक मिनट 9th और 10th वाले बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं एक बार हैंड रेज करना 9th और 10th वाले बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं लिपिका ध्रुव भव्या लिपिका ध्रुव भव्या चलो ये तीनों सिंसियर है तीनों अटेंड कर रहे हैं क्लासेस शुरू से दिव्यांत 9th में 9th का सिर्फ दिव्यांत अटेंड कर रहा है चलो देखो कुछ होता अभी अभी क्वेश्चन ना हो रहे हो लेकिन अभी लिपिका ने आंसर बोला है और किसने आंसर बोला था लिपिका के अलावा सर मैंने ध्रुव ध्रुव ने बोला सर मेरा भी हो गया था मेरा भी आ गया था ये भव्या यस सर सर मेरा भी हो गया भव्या हो गया था तुम्हारा सर Na2CO3 का हो गया था 4.2 चलो सही है तो मेरा भी सेम आंसर आ रहे थे दोनों हां बहुत अच्छे ध्रुव 4.24 ग्राम पर लीटर एक आंसर है दूसरा है 5.04 ग्राम पर लीटर इसके आसपास है जस्ट जैसे 4.3 तक चल जाएगा 4.2 वो चल जाएगा और 5 वाला चल जाएगा अब एक बार कंसेप्ट चेक कर लेंगे कंसेप्ट सही है फिर कोई दिक्कत नहीं है कल क्वेश्चन पे थोड़ा वर्क करना है कंसेप्ट देखेंगे पहले एक बार देखो पहले 10 लीटर मिक्सचर लिया हमने Na2CO3 का और NaHCO3 का 2 ml ऑफ 0.1 मोलर H2O4 चाहिए अब फिनोप्थ्रीन इंडिकेटर है फिनोप्थ्रीन इंडिकेटर है तो सिर्फ वो क्या करेगा हाफ इंटू मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ H2O4 मिलिक्विलेंट ऑफ H2O4 कितने हैं 2 इंटू 0.1 इंटू 2 मत भूलना एनफैक्टर H2O4 का एनफैक्टर 2 होता है मोलर दे रखा है इसलिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एनफैक्टर लगेगा फॉर्मूला मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एनफैक्टर तो यहां से मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 आ गए 0.8 एक चीज आ गई यहां से 0.8 आ गए अब उसके बाद मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड लिखा है इसमें इसका मतलब अब जो बचे हुए मिलिक्विलेंट्स हैं वो भी न्यूट्रलाइज होंगे तो यूजिंग 0.4 नहीं होगा ये 2 ये भी आएगा ना ये वाला क्या कर रहा है शरद हाफ इनटू मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिलिक्विलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू क्या है अब H2O कितना चाहिए 2.5 ml of 0.2 molar यानी 2.5 × 0.2 सर वो लेने के बाद शायद 0.4 आएगा मेरे हिसाब से क्यों 2 × 0.1 × क्या हो गया सर ये दूसरा वाला यूजिंग MeOH 1 आ जाएगा अच्छा वो तो जो भी आए देखते हैं 2.5 × 0.2 5 × 0.2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा वहां से तो ये 1 आ गया हाफ इंटू मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 दूसरी क्वेश्चन हाफ इंटू मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिलिक्विलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 आ गया तो मिलिक्विलेंट ऑफ Na2CO3 0.8 है ही यानी 0.4 हो जाएगा ये तो मिलिक्विलेंट ऑफ NaHCO3 आ गए 0.6 कोई डाउट तो नहीं है इसमें मिलिक्विलेंट ऑफ NaHCO3 आ गए 0.6 एक बार सिर्फ ना हैंड से करना है जिसका एक NaHCO3 0.1 यही आ रहा है ना और हां 0.6 तो वो ऊपर जो आपने 0.8 लिखा है उसमें 0.4 नहीं आएगा हैंड से करेंगे यहां 0.2 आना चाहिए 0.2 आना चाहिए यस सर नीचे सबसे ऊपर 0.4 आना चाहिए सबसे ऊपर जो आपने 0.8 लिखा उसकी जगह शायद एक बार वहां 0.8 ठीक है 0.2 आएगा नीचे 0.2 आएगा गर्व क्या आ रहा है तेरा सर यही आ रहा है 0.8 और 0.6 जिसका 0.8 और 0.6 आया वो हैंड से करेंगे जिसका मिलकर यानी उनके कांसेप्ट सही है फिर जिसका 0.8 और 0.6 आया गर्व भव्या ध्वनि लिपिका रिदम हिमांग जिसका 0.8 और 0.6 आया नवीन संयम हर्षित चलो ये 9 बच्चे हैं जिनका कंसेप्ट सही है फिर बाकियों ने गलत किया 9 बच्चे हैं जिनका कंसेप्ट सही हुआ है बाकियों को गलत हुआ है सर ये 0.8 क्यों आया मुझे समझ नहीं आ रहा
कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा तू, क्या कर रहा है ये रहे, 0.2 ये, 2 ये है, 2 ये है, और ये 2 भी जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? फिर वो वहां पे एक और 2 एक्स्ट्रा कैसे हो गया? एन फैक्टर H2SO4 का 2 होता है कि नहीं? तू फॉर्मूले नहीं पढ़ रहा ढंग से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर नहीं होता फॉर्मूला। ओके सर, जिसका 0.8 और 0.6 आ गया है उसका सही है, 9 बच्चों का सही निकला है, बाकियों का गलत निकला है। कंसेप्ट जरूर चेक करो एक बार, एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं कर सकते क्लास के अंदर। अब 0.8 और 0.6 आ गया, अब 0.8 आते ही इसमें हम पुट कर देंगे मिलीग्राम का फॉर्मूला, मास अपॉन में 106/2 यानी 53 इंटू 10^3 इज इक्वल टू 0.8। तो जो मास आएगा वो 10 ml में आएगा, 1000 में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.8 इंटू 53 डिवाइडेड बाय 1000, हमें निकालना है 1 लीटर में दे रखा है 10 ml, तो इसलिए इंटू 1000 डिवाइड बाय 10, इंटू 1000 डिवाइड बाय 10 करेंगे। आप इसमें अप्रोक्सीमेट मेरे को अगर आंसर बोलना है ऑब्जेक्टिव के लिए तो 0.8 इंटू 53 है, 0.8 इंटू 53 तो ये, और बाय 10 है तो 5.3 कर देना इसको, तो ये सीधा आ रहा है यहाँ से 4.24 ग्राम पर लीटर अप्रोक्सीमेट में पता लग रहा है। दूसरा वाला, मास अपॉन में 84/1 इंटू 1000 इंटू 0.6, तो मास जो आएगा यहाँ से NaCO3 का वो आएगा 10 ml के अंदर, 1000 में निकालना है तो इंटू 1000 में 10 कर देना, 0.6 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000 डिवाइड बाय 10, तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, बाय 10 कर देंगे तो 0.6 इंटू 8.4 सॉल्व करेंगे 5.04 आ जाएगा, 5.04 ग्राम पर लीटर। दो आंसर है, पूरे आंसर किसके सही हुए हैं? पूरा आंसर किसका सही हुआ है? गर्व का। और सर मेरा पहला वाला सही हुआ, और कोई सर मेरा दूसरा वाला सही हुआ, जिसके दोनों सही है वो सर बताएंगे। रुक, तेरा तो गलत हो गया था ना? यस सर, मैं बताया था मेरा पहला वाला सही है। दोनों जिसके सही है, दोनों जिसके दोनों सही है, कोई भी नहीं है गर्व के अलावा, फिर जो कि हेमान दोनों सही होने चाहिए, इजी क्वेश्चन था ये, सही ना, दोनों सही होने चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास कितनी देर चलेगी? और एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन टफ नहीं है, समझ आने में दिक्कत आएगी, जिसको थ्योरी पता है वो कर पाएगा क्वेश्चन, जिसको थ्योरी पता है वही कर पाएगा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन इसमें अगर है तो बता, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 42 मिल गया क्या? 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलीन, यस सर, एक बार हैंड से करेंगे, जो गलत क्वेश्चन है ये, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलीन वाज एडेड टू 40 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, एक बार हैंड से करेंगे जिसके पास अगर क्वेश्चन है तो, ये सबके पास है तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे मिल नहीं रहा सर, क्वेश्चन नंबर 42 है गर्व, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलीन वाज एडेड टू, नहीं मिला सर, पेज नंबर नहीं पता सर मेरे को, पेज नंबर एक बार 27 बोला था शायद इसने अभी आरुषि ने, 28 पे है, एक बार हैंड्स रेज़ करेंगे अगर क्वेश्चन सबको मिल गया तो। जल्दी से हैंड्स रेज़ करो, भव्या सर मिल गया, मिल गया, दिव्यांत सर मैं अभी घर पे नहीं हूँ उस वजह से मेरे पे है नहीं अभी क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलूंगा तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, तो बाकी पीछे ट्राई कर सकते हैं। पूर्वांश, संयम, तनेश, क्वेश्चन सबके पास होना चाहिए, तानिया, अब ये क्वेश्चन अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, समझ आना जरूरी है, नहीं आएगा तो दोबारा नहीं पूछेगा कोई भी इस क्वेश्चन, ये तो मैं खुद ट्राई करने पड़ेंगे क्वेश्चन, मैं एक बार समझा दूंगा तुम लोगों को, क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेंगे, जो मैंने थ्योरी तुम्हें पढ़ाई थी ना वही थ्योरी है सेम इसमें, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलीन वर एडेड टू 40 ml HCl सॉल्यूशन, इज
एडिड टू solution. When 30 ml of base has been added, yani NaOH 30 ml dala hai. When 30 ml of base is added, 30 ml of base is added, part of the solution turned pink. Part of solution turned pink, but the color disappeared upon mixing the solution. Shake किया तो color disappear हो गया, but color disappeared, बस ये ध्यान था. जैसे ही shake किया तो color pink color हट गया. Addition of NaOH was continued drop wise until a one drop addition produced a lasting pink color. Addition of base was continued till pink color is obtained. Pink color आता ही याने solution का neutralization हो गया. At this point, base added was 32.56 ml. तुम्हें क्या क्या निकालना है? Calculate concentration of HCl. Square bracket में लिखता हूँ तो means concentration है. Square bracket यानी molarity निकालना. Concentration of HCl निकालना तुम्हें first part. Second part तुम्हें निकालना concentration of HCl when 30 ml base was added. pH of solution. C part है pH of solution when 30 ml of base. कंसंट्रेशन भी निकालना है एंड पीएच आल्सो. मैं थर्ड पार्ट को सिंपल लिख रहा हूं एंड पीएच आल्सो. फोर्थ पार्ट पीएच व्हेन 32.56 एमएल वाज बेस वाज एडेड. पीएच व्हेन 32.56 एमएल बेस वाज एडेड. जिसको क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया पहले इसकी पूरी स्टोरी समझो कि क्या कह रहा है फिर ट्राई करना नहीं तो क्वेश्चन नहीं. क्वेश्चन बहुत इजी है ये बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है लेकिन अभी समझ आने में दिक्कत आ सकती है. मैं 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए. 5 मिनट है तुम्हारे पास 5 मिनट ट्राई करना कुछ.
सर फर्स्ट पार्ट हो गया। किसने कर लिया? सर मैंने भी कर लिया फर्स्ट पार्ट। सर फर्स्ट पार्ट हुआ है। किसने किया नाम बताओ? सर शरद। सर सही है। शरद ने कर लिया, बहुत अच्छे शरद। और किसने किया? सर सही है, हमने भी करा है। सही है। सर मेरे पहले दो पार्ट हो गए। चलो दो पार्ट कर, आगे कर लो, मैं भी बता रहा हूँ फिर। सर सेकंड पार्ट भी हो गया। चलो सही है। क्या निकला आंसर बताना? पहले वाले का 0.0814। यस सर। और सर दूसरे वाले का है 0.0037। चलो देखते हैं। सर मेरा भी है। सर मेरा तीसरा चौथे हो गया। क्या निकला आंसर? सर तीसरे का तो आंसर निकला मेरा 2.4 और सर चौथे का निकला पीएच 7 आ रहा है। सेवन। चलो अब देखेंगे। बिल्कुल सही है। देखो अब पहले सबसे पहले तो ना क्वेश्चन का मीनिंग समझ आना चाहिए। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या दे रखा है, जैसे ये HCl की सॉल्यूशन है। मेरे भी हो गए सर, यही आ रहे हैं आंसर सारे। चलो सही है। फिर ये HCl की सॉल्यूशन है, ये HCl की सॉल्यूशन है और इसमें हमने डाल रखा है, इसमें हमने डाल रखा है फिनोप्थ्रीन। इसमें मैंने क्या डाल रखा है? फिनोप्थ्रीन। ये फिनोप्थ्रीन डाला हुआ, फिनोप्थ्रीन डाला हुआ, उसके अंदर एक या दो ड्रॉप, एक या दो ड्रॉप क्या रखा है? फिनोप्थ्रीन की। देना एक दो ड्रॉप डाल के फिनोप्थ्रीन। तो तुम्हें ये ध्यान होगा जो फिनोप्थ्रीन है वो एसिडिक मीडियम में एच प्लस प्लस पी एच नेगेटिव। अगर फिनोप्थ्रीन है तो एसिडिक मीडियम में कौन से कलर का होगा? कलरलेस। कलरलेस तो पिंक था ना, याद है कि नहीं? ये कलरलेस था, ये पिंक था। तो मीडियम ऐसे नहीं गया क्योंकि HCl डाला हुआ ना, मीडियम ऐसे ही गया। तो फिनोप्थ्रीन क्या होगा? कलरलेस होगा। कलरलेस है भी। अब ऊपर से हम डाल रहे हैं यहाँ पे बेस। ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं? बेस डाल रहे हैं। बेस डालेंगे तो वो HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, HCl को न्यूट्रलाइज करेगा और जो फिनोप्थ्रीन के एक्सप्रेशन है एक इंस्टेंट के लिए वो न्यूट्रलाइज होंगे तो कलर पिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही शेक करोगे सॉल्यूशन को तो दोबारा क्या हो जाएगा? वो कलरलेस हो जाएगा। दोबारा क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ऐसा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हमने जो लिया है 40 ml HCl लिया है, 40 ml HCl लिया, ध्यान रखना 40 ml टोटल HCl जो लिया है। तो अब उसके बाद इसने बोला अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब हुआ है इसका HCl का? जब पिंक कलर आ जाएगा। जब पिंक कलर आएगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है और वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब हुआ है? 32.56 ml। इतने 32.56 ml यानी मिलीक्रेंड ऑफ HCl NaOH के इक्वल कब होंगे? 32.56 ml पे। यस सर। 32 तो ये मिलिक्विलेंट ऑफ HCl, मिलिक्विलेंट्स ऑफ HCl वो कितने हैं? मिलिक्विलेंट ऑफ HCl वॉल्यूम कितना डाला हमने? 40 ml। 40 ml डाला है। नॉर्मलिटी मान ली इसकी n इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ NaOH। NaOH कितना डाला हमने जब पूरा न्यूट्रलाइज हुआ? 32.56 इनटू NaOH कितना था? 0.1। तो यानी 3.56 डिवाइड टू 40, 3.256 डिवाइड बाय 40। ये सॉल्व करोगे तो सर 0.0814 आ रहा है। 0.0814 नॉर्मल, ये HCl की नॉर्मलिटी है। बस ये तुम पता लग गया। ये इस पार्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी को? जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है वो 32.56 ml है और HCl जो हमने लिया है वो 40 ml लिया है तो नॉर्मलिटी HCl की आ गई 0.0814 नॉर्मल। कोई डाउट तो नहीं आता? नो सर। तो एक चीज यहाँ पे खत्म हो गई, 0.0814 नॉर्मल ये आ जाएगा हमारा HCl, HCl की नॉर्मलिटी, ये HCl की नॉर्मलिटी आ गई है ना, ये HCl की नॉर्मलिटी आ गई। अब इसने बोला जब हमने 30 ml बेस डाला है, जब 30 ml बेस डाला है तो फिर pH कितना होगा? दिखा ना इसने यहाँ पे एक चीज निकाल ली हमने। अब 30 ml जब बेस डाला है तो पीएच कितना है? तो अब HCl
plus NaOH gives NaCl plus H2. अब HCl कितना, total कितना है HCl? 40 into 0.0814 यानी 3.256, याद है ना, ये 3.256 ही है, ये हमारा HCl था। NaOH डाला हमने 30 into 0.1 डाला, मिलीकुलर डिस्टेंस यही होंगे ना, 30 into 0.1 मोलर NaOH है, एन फैक्टर तो 1 ही है। क्या हुआ, पूछना किसी को? नहीं सर, ये 3-1 जाएगा और बाकी दोनों निकाल देंगे। हां तो अब यहां से क्या आ जाएगा, नॉर्मेटिव HCl आ जाएगी, 3.256 क्या है HCl अभी, 13 into 0.1 क्या है NaOH, तो नॉर्मेलिटी इसकी आ जाएगी अब N1V1 of HCl minus N2V2 of NaOH, जो कि ये 3.256 दे रखा है और ये दे रखा है 3 divided by total volume V1 plus V2, यानी 40 ये और 30 ये, 70, तो ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 0.256 divided by 40 plus 30 70, ये नॉर्मेलिटी होगी HCl की जब हमने 30 ml बेस डाला है, जो दो नॉर्मेलिटी आ जाएगी उससे पीएच निकालेंगे माइनस लॉग एच प्लस आयंस, याद है कि नहीं, ये सॉल्व करना सिखाया हुआ मैंने स्टार्टिंग में। यस सर, माइनस लॉग एच प्लस आयंस आएंगे तो पीएच आ जाएगा, और जब हम 32.56 ml बेस डाल देंगे तो HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उस इंस्टेंट पे, उस एंड पॉइंट पे पीएच कितना होगा जब पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जब पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो पीएच होगा 7, बता न्यूट्रल पॉइंट पे पीएच कितना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच कितना आएगा 7, कोई डाउट किसी को? ये आगे समझ के नहीं, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। सर थर्ड वाले का बता दो एक बार फिर से, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में था ये जब पीएच निकालना है, देख इसमें इसमें क्या बोला है, देख गर्व इससे बोला है कि जब HCl पूरा खत्म नहीं हुआ है, NaOH अगर 30 में डालेंगे तो पूरा खत्म नहीं होगा ना HCl, नहीं सर, pH less than 7 आएगा, 30 ml जब हमने बेस डाला तो 30 into 0.1 ये मिलीकरण किसके हैं NaOH के, और 40 into 0.0814 मिलीकरण किसके होंगे HCl के, स्टार्टिंग से है ना तो पूरे टोटल मिलीकरण, यस सर, तो दोनों के माइनस कर देंगे बाय टोटल वॉल्यूम, सही, तो नॉर्मेलिटी आ गई HCl की, नॉर्मेलिटी आ गई, नॉर्मेलिटी से पीएच निकाल लेंगे, पीएच क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस आयंस, तो सर इसको मोलारिटी यही होगी इसकी, फिर उसको पुट कर देंगे फार्मूला में, कोई जरूरत करने की, कोई जरूरत नहीं करने की, क्योंकि HCl की नॉर्मेलिटी मोलारिटी एक ही बात है। यस सर, नहीं क्लियर हुआ है, तो सर माइनस लॉग ऑफ ये 0.256 डिवाइड बाय 70 ये करेंगे हम, हां एक बार, हां यही करेंगे, एक क्वेश्चन और लिख लो, पर अगर नहीं समझ आया तो इसका एक क्वेश्चन और बना लो, कैलकुलेट पीएच व्हेन, पीएच व्हेन जल्दी निकालना है, व्हेन 500 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl is mixed with 1500 ml of 0.02 molar NaOH, पीएच क्या होगा निकालो जल्दी से, ये क्वेश्चन सेम वही करा दिया मैंने, निकालो क्या आएगा पीएच, बोलना और किसी को आंसर इसका, सही से बोलना, सर 2 आएगा पीएच 2, देखो डायरेक्ट गल अगर तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी जो लेगी पहले 500 into 0.150 होता है, एन फैक्टर 1 है, 1500 into 0.02 30 होता है, एन फैक्टर NaOH का भी 1 है, तो नॉर्मेलिटी जो डायरेक्ट लेगी मिलीक्रांस क्योंकि HCl के ज्यादा है तो नॉर्मेलिटी आएगी HCl की, N1V1 क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है तो माइनस करेंगे, दोनों एसिड होते तो ऐड करते हैं, दोनों बेस होते तो ऐड करते हैं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ये डायरेक्ट है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, तो ये आ गया N1V1 HCl का कितना आया 50, N2V2 बेस का कितना आया 30,
डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 2000, तो ये आ गया 20/2000. 20/2000 मींस 1/100. यस सर. 0.01 मोलर आ गया. 0.01 मोलर मतलब पीएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 10^-2. 0.01 मतलब 10^-2, पीएच आ गया 2. समझ आया कि नहीं? ये यस सर. करते हो, क्लियर हो गया डाउट तेरा? यस सर, हो गया. तो ये आ जाना चाहिए सबको. अच्छा, अब जो क्वेश्चन बचे ना, मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन करा दिए तुम, अब जो टफ वाले क्वेश्चन बचे हैं, इसमें जो टफ वाले क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, अगर असाइनमेंट है तो क्वेश्चन नंबर 41 जो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा, एक क्वेश्चन 41 क्वेश्चन. इसके अलावा हार्ड वाटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30. ये दो क्वेश्चन है बिल्कुल टॉप लेवल, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो पूछे हुए आईआईटी. तो ये मैं तुम्हें करवा दूंगा, लेकिन कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना, टेस्ट बटन से देना. सर, टेस्ट सब्जेक्टिव हो गए ऑब्जेक्टिव?